इस मिट्टी का कमाल आपको पता है, पीछे जो सारी डिज़ाइन दिख रही है वो इसी मिट्टी का तो कमाल है दोस्तों। मैंने आपको किसी वीडियो में, शायद मुझे नहीं याद कि मैंने किसी को रोक के रखने कहा हो कि पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा, लेकिन आज मैं आपको कहता हूँ वीडियो को पूरा ज़रूर दिखाए। इसमें आपके लिए एक सरप्राइज़ है, आज लास्ट में आपको बहुत वो सरप्राइज़ देखने को मिलेगा, तो आगे वीडियो को देखते हैं। मैं हूँ मांझी खान बतौर, वेलकम दोस्तों। आज जो आपको पता है कि ये जो वीडियो बना है वो सिर्फ आपकी चॉइस, आपकी पसंद पे है। जैसे कि जैसे आपको मैं दिखा दूँ, आपने वोट किए थे और इस वोट के हिसाब से हमने ये वीडियो लाया। दोस्तों आज हम बनाएंगे 12x8 इंच की फ्रेम की डिज़ाइन, और वो डिज़ाइन का पूरा प्रोसेस जिस तरह आपकी डिमांड थी। तो चले आज शुरू करते हैं हम इस पूरे फ्रेम को कैसे बनाते हैं, उसी प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो चले काम पे। तो हम लेंगे पहले प्लाई, 12x8 इंच की प्लाई हम लेंगे, MDF वुडन लेना है हमको, और उसको बनाने के लिए हम रेडी रहेंगे। उसके बाद हम सीधा चलेंगे ड्राइंग के ऊपर। ड्राइंग करने के बाद हमारा काम शुरू होगा जो हाउ टू मेक लिप्पन आर्ट फ्रेम। दोस्तों ड्राइंग बहुत ज़रूरी है, ड्राइंग में जो हमें ख्याल रखने होंगे, कहीं पर एक डिज़ाइन जो हम शेप देते हैं वो बहुत बड़ा मेन रोल है, क्योंकि अगर डिज़ाइन सही नहीं होगी तो काम सही कैसे होगा, काम का लुक कैसे आएगा, काम बेहतरीन कैसे होगा। तो हम डिज़ाइन में जब हम काम करने बैठते हैं तो बहुत सारा ध्यान रखते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हम नोट करते हैं, कहीं उस पर स्केच वगैरह रह न जाए। जब हम काम कंप्लीट करें, फ्रेम ओके करते हैं, जब डन कर लेते हैं वर्क को, तो हम देखते हैं कहीं उसमें कोई गलत चीज़ न रह जाए, वो हमारे लिए बहुत रहती है। क्योंकि हम आपको जब देते हैं तो हम आपको उसमें कोई गलत चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों हम जब ड्राइंग रेडी कर लेते हैं उसके बाद शुरू होता है मर्डोरक का काम, जैसे लिप्पन आर्ट हम कहते हैं, मुतुआ मर्डर कार्ड का जो मेन, तो उसे हम बना देते हैं, रोल का काम शुरू कर देते हैं। तो रोल का काम शुरू करने के बाद अब हमारा काम होता है, क्या होता है आपको पता है दोस्तों, फेविकॉल में डुबो देना होगा। तो फेविकॉल में डुबो देने के बाद आपकी पसंद का हाउ टू मेक, तो हम उसके बाद सीधा काम शुरू कर देते हैं MDF पे, जो हमारे डिज़ाइन बन चुका है, जो हमारा ड्रॉ बन चुका है, उस पर काम हमारा शुरू हो जाता है। दोस्तों मैं तो एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई डिज़ाइन बनाता हूँ, चाहे वॉल पे हो या फिर MDF पे हो, तो हम क्या करते हैं, हम दोस्तों उस मैं ओनली 60% या 50% के आसपास डिज़ाइन ड्रॉ करता हूँ, बाकी की जो अंदर के इंट्रिकेट्स पॉइंट्स हैं वो सारे मेरे दिमाग के अंदर रहते हैं। तो दोस्तों हम डिज़ाइन बनाते जाएंगे, आपको हम गाइड करते जाएंगे। तो दोस्तों हम जब ये डिज़ाइन बना लेते हैं, क्योंकि हमारे ये जो अभी आप देख रहे हैं डिज़ाइन, वो हैं हमारे मुतुआ मर्डर आर्ट की स्पेशल डिज़ाइंस, क्योंकि जो इसमें जो बहुत सारे पॉइंट्स है जो अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इसे हमारी भाषा में कोंडा कहते हैं, इसको बहुत बेहतरीन हमारे डिज़ाइन माना जाता है, क्योंकि ये हमारी डिज़ाइन डेकोरेशन का मेन पॉइंट हमारे समझा जाता है। क्योंकि बहुत सारी डिज़ाइनें तो कॉमन होती हैं, हर जगह यूज़ होती हैं, लेकिन जो ये डिज़ाइंस हैं ये बहुत कम यूज़ होती है। ऐसी डिज़ाइनें आपको हमारे आर्ट में हमेशा देखने को मिलती है, क्योंकि आपके कॉल्स हमें आते रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, क्योंकि आपके लिए नंबर हमेशा रहते हैं, अभी भी आपके आपको स्क्रीन पर ऊपर दिखाई देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे आज, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी ही पसंद का है, और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो हम इस तरह ही आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, रोल नए पे नए लगाते जाएंगे, मैक करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, किस तरह से काम हो रहा है। दोस्तों अभी जो हम बना रहे हैं, हम जो ये डिज़ाइन बना रहे हैं, वो अभी ऊपर के टॉप की डिज़ाइन को हम शुरू कर चुके हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते ही रहना है हमें डिज़ाइन में, और हम आज ये वीडियो लंबा होता है तो होने दे दोस्तों, क्योंकि आपके पसंद का है, हम आपकी पसंद हम आपको पूरी करना चाहते हैं, हम आपको देना चाहते हैं, तो आपको पूरा देखना होगा दोस्तों। तो इस तरह से रहेगा ये वीडियो बेहतरीन तरीके से, हमने उसको अलग अलग पॉइंट्स में शूट किया है, और हम चाहते हैं कि आप सही तरह समझ सकें, सही तरह देख सकें, इसके लिए 4K क्वालिटी में भी हमने इसको शूट किया है दोस्तों। तो इस तरह से हमने डिज़ाइन में एक लाइट की भी बहुत हमने ध्यान रखा है कि वो सही तरह से उतर सके, क्योंकि मेन हमारे यहाँ पे दिक्कत ये रहती है कभी कभी, क्योंकि हमें जो नेचुरल लाइट है उस पर ही हम शूट करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आगे की डिज़ाइन बनती रहेगी, जैसे ये हम डिज़ाइन बना रहे हैं, और ये शेप तो हमारे यहाँ पर आप सभी कहते हैं केरी, तो इस डिज़ाइन में हमें सबको मालूम है, क्योंकि अगर हमारी भाषा में हम बात करें तो, और हम हमारे मैंगो भी इस डिज़ाइन को हम कहते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत तरह के प्रकार होते हैं, अंदर में किस तरह डेकोरेशन करता होता है वो भी अलग अलग पॉइंट्स
इसमें हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। अभी आपको मैं याद दिला दूं कि मैंने पहले भी कहा था और कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूं मैं इसका, जैसे कि ये दो फ्रेम लटकी हुई हैं जो मैंने आपको बताई थी पहले कि ये स्पेशल आपके लिए हैं दोस्तों। अभी क्या है कि हमने उस पर टारगेट रखा था 5000 व्यूज़ का, तो आप उसको ज़रूर अचीव करिए, वो हमारे पास आपकी अमानत है, वो हमको देना, हम आपको देना चाहते हैं दोस्तों। अभी हम इसी वीडियो पर चले तो इस मैंगो में अलग तरह के शेप होंगे, अलग तरह की डिज़ाइंस होगी। वो डिज़ाइंस क्या है कि बहुत सारी अंदर उसकी डिज़ाइन होगी, लेकिन आज हम आपको कहीं वीडियो लंबा हो जाए उसके लिए हम अलग अलग तरह के जो हार्ड डिजाइन हैं उनमें से कुछ एक ऐसी डिजाइन जो हम कम समय में आपको दे सकें, आपको लंबा वीडियो न देखना पड़े, उस हिसाब से हम आपको देंगे दोस्तों। अभी हम एंट्री का पॉइंट शुरू कर रहे हैं, जो जिस पॉइंट में आपको देख के मजा आएगा, क्योंकि मेन डेकोरेशन जो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, इस तरह से हम छोटी छोटी पत्तियां हम उसमें ऐड करते हैं। जिस तरह से आगे जो बीच में मैंने खाली रखी थी, मैंने आपको पहले बताया कि जैसे कि मैं 50% या 60% डिज़ाइन को ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद जो पूरी डिज़ाइन है वो खाली रहती है, वो पूरा जो प्रोसेस करना है हमको वो पूरा दिमाग में रहता है। तो अभी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस कैसे पूरा डिज़ाइन भरता हुआ जा रहा है, पूरा डिज़ाइन आपको दिखने में आ रहा है। इस तरह से आगे के पॉइंट्स पे हम शेयर करेंगे, जैसे कि अभी डबल लाइन आपने देखी, तो ये डबल लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ नहीं मिली होगी, लेकिन मैंने ड्रॉ कर दी, मैंने काम से सीधा उसको करके दिखाया क्ले से, क्योंकि ये अगर हम डिज़ाइन आपको दिखाएंगे तो आपको शायद देखते ही सरदर्द होने लगेगा कि ऐसी डिज़ाइन हम कैसे करें। लेकिन आगे के हम प्रोसेस बनाएं, जैसे कि मैन अभी आप देख रहे हैं ऊपर की ओर ये पूरा खाली है, उस पर कोई ड्राइंग नहीं मिलेगा, तो उस प्लेन पे देखने के बाद आप देखें जैसे कि मैं मड लेके बैठा, काम करना शुरू किया और डिज़ाइन बनती जा रही है। तो यही डिज़ाइंस, इसी वर्क की, इसी आर्ट की यही खूबी है। ये आर्ट कैसा लगता है, ये कितना खूबसूरत है, वो इसी की यही ब्यूटी है, क्योंकि इसमें जो ड्रॉ के जो आप अलग अलग वर्क्स में देखेंगे तो वो ड्रॉइंग वगैरह के स्केच रह जाएंगे, लेकिन हमारे आर्ट में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। ये भी नहीं कहूँ, क्योंकि हमारा आर्ट एकदम क्लीन है, आपको देखने को ही नहीं मिलेगा कहीं पर स्केच हैं या नहीं। आप गारंटी के साथ मेरी प्रोडक्ट लेके आप देख सकते हैं, कहीं भी आपको स्केच या ड्रॉ का कोई निशान आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आपका पूरा ख्याल रखते हैं। हम नहीं चाहते कि आपको कोई डिस्टर्ब हो हमारे प्रोडक्ट में, हम नहीं चाहते कि आपके जो प्रोडक्ट लेके आप अपने घर में सजाते हैं, अपने वॉल में सजाते हैं, उसमें आपको कोई अनचाही चीज़ दिखे या हमारे डिज़ाइंस उसमें कोई पॉइंट्स या आपको नक्श देखने को मिले। तो इस तरह से हम आगे डिज़ाइन को बनाते जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया था हमारे मुतवर्रक आर्ट की जो कुंडा डिज़ाइन है उसे हम ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे, वो तो हमारी पसंद की डिज़ाइन है, हम उसमें और पॉइंट्स ऐड करेंगे, वो खूबसूरत किस तरह निखरता कैसे है दोस्तों। जैसे कि अभी आपने देखा किस तरह से बेहतरीन बन चुका है, क्यों? क्योंकि उसको निखारना है हमको दोस्तों, हम खुद तो निखरते हैं, डिज़ाइन क्यों नहीं निखारेंगे। तो इस तरह से आगे की और डिज़ाइन हम बनाएंगे, इसको और हम दूसरे साइड को कैसे छोड़ दें उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है, डिज़ाइंस को कंप्लीट करते रहना है। तो अब दोस्तों हम बीच में बनाने वाले हैं एक अच्छा सा फूल, खूबसूरत फूल, क्योंकि ये फूल मुझे पर्सनली बहुत बड़ा पसंद है, क्योंकि जब ये मैं कहीं पे डिज़ाइन पे जो करता हूँ तो बहुत खूबसूरत नज़र आता है, बहुत बेहतरीन नज़र आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। ये जो फूल है मेरी पसंद का तो है, लेकिन आप देखेंगे तो आप, मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये जो फूल है ना, कितनी भी छोटी जगहों में उसमें जब लगाता हूँ, मुझे जब बेहतरीन किसी चीज़ में बेहतरीन करनी हो किसी डिज़ाइन में, तो मैं उसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बस ये मेरी पर्सनल है, मुझे पसंद है, उम्मीद है कि आपको ये और ज़्यादा पसंद होगा, मुझसे भी ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम सबको पसंद हो। जैसे अब मैंगो डिज़ाइन में है, जैसे कि मैं इसको अगर दिखाने जाऊँगा तो बड़ा हो जाए, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ सीधा। ये भी ऐसे उसको पूरा बना देंगे, उसके बाद मैंगो की जो साइड्स हैं उसमें भी हमें कुछ पत्तियाँ हम ऐड करेंगे, किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं वो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम ऐड करते डिज़ाइन को जो खूबसूरत बनाना है तो बहुत बड़ी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत होती है, लेकिन हम मेहनत के वजह से किसी को छोड़ देंगे तो हम कैसे उसको खूबसूरत कर पाएंगे दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था कि हमको खूबसूरत तो करना ही, हमें ऐसे थोड़ी छोड़ना है, हमें उसे निखारना है दोस्तों। तो इस तरह से डिज़ाइंस को हम ऐड करेंगे और खूबसूरत लगती है, और बेहतरीन लगती है दोस्तों। और आगे की जो प्रोसेस है, क्योंकि मैं जो दिखाता जा रहा हूँ मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि इस वीडियो को मैंने, आपको पता है आपकी पसंद का ये वीडियो, तो मुझे बनाते हुए भी बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि मैंने जिस तरह से जिस दिन से डाला था दो दिन के बाद ही मुझे पता चल गया कि इसके वोट बढ़ने वाले, उसकी पसंद बढ़ने वाली, तो मैंने उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी थी।
तो ये उसके बाद जो ये पॉइंट्स हम ऐड करते जाएंगे डिज़ाइन बनाने के बाद, ऊपर और हम लगाएंगे उसको, उसको और बेहतरीन बनाएंगे और खूबसूरत बनाएंगे। तो इस तरह से हर पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स जब हम ऐड करते हैं तो वो बनती है डिज़ाइन, वो बनती है एक मुतमरक आर्ट की फ्रेम्स, वो बनती है हमारे वॉल डेकोरेशन की फ्रेम, जब वो हमारे वॉल पे खूबसूरत लगती है। आपको पता आज तो ज़रूर चला होगा, मेरे ऐसे एक दो वीडियो और भी हैं जो मैंने पूरी प्रोसेस बताने की कोशिश की है जिस तरह आज मैं कर रहा हूँ। तो ये जो डिज़ाइंस है, एक एक पॉइंट हम जब जोड़ते हैं, एक एक जब हम एक रोल बना के हम जोड़ते हैं, एक एक पत्ता जब हम जोड़ते हैं, तभी बनता है हमारा ये फ्रेम्स। तभी दोस्तों अब और जो ये मेन इसका उसके बाद आने वाला है वो है उसके बॉर्डर। जो बॉर्डर है हम उसे कलर करेंगे जिस तरह, क्योंकि हमारा वर्क एक अंदर बॉर्डर के हिसाब से दिखने को लगे, एक बॉर्डर बनने से उसको खूबसूरती और लगे। तो इस तरह उसके बाद आता है जैसे आपके और प्यार और सपोर्ट से हमारी चमक है, इस तरह इस मडोर की चमक मिरर है। तो ये मिरर अब हम लगाने शुरू करेंगे, ये मिरर और खूबसूरत बना देंगे इसको, क्योंकि जब मडोरा का काम पूरा हो चुका है, जो क्ले वर्क है वो वर्क पूरा होने के बाद इस आर्ट को कंप्लीट करते हैं मिरर की चमक से। तो ये मिरर की चमक जो है इसे और खूबसूरत बना देती है, इसे और बेहतरीन बना देती है। तो दोस्तों जैसे एक एक मिरर लगता जाएगा ये और खूबसूरत और चमकदार बनता जाएगा। और आप कभी कभी ये भी करना, मुझे बड़ा इस चीज़ में मज़ा आता है, आप इसको देखना थोड़ा सा एकदम सामने, एकदम फ्रंट में आप रखेंगे, उसके बाद इसको फ्रेम में देखना, आपके छोटे छोटे जो आँख वगैरह जो उस छोटे मिरर में आपको दिखने में आएगा, बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों। और इस तरह से हमारे अलग अलग शेप के अलग अलग मिरर हम लगाएंगे और पूरा वर्क जो डिज़ाइन है उसको कंप्लीट करते जाएंगे, इसको और बेहतरीन बनाते जाएंगे, इसे और अच्छा करते जाएंगे। हमारा एक एक पॉइंट्स, एक एक मिरर का शेप, ये जो शेप बनता जाएगा मिरर को खूबसूरत करता है, इस फ्रेम को मिरर से हम खूबसूरत करते जाएंगे दोस्तों। तो आगे की प्रोसेस इसी तरह हम आगे मिरर को जो बाकी हैं उसको लगाएंगे दोस्तों। और हाँ, इसमें एक बेहतरीन इस डिज़ाइन में जो है वो मुझे ये लगा, क्योंकि जैसा मैंने जो बॉर्डर जब करी थी, वो बॉर्डर करने के बाद जब ये वर्क पूरा करने, तो पूरा एक मैचिंग सा लगने लगा। एक वॉल डेकोरेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, 12x8 इंच की फ्रेम होने के बाद भी इतना खूबसूरत डिज़ाइन उसमें बन गया, क्योंकि ये मैंने आपके लिए दिल से बनाया है, ये मैंने आपके लिए शौक से बनाया है। क्योंकि मैंने जब मुझे आइडिया है कि कहीं ना कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि मैं अपने ऑडियंस को, अपनी फैमिली को दे सकें, तो यही तो आपका प्यार और आपका सपोर्ट है। तो इस तरह से अब आगे की और प्रोसेस, जैसे कि ये मिरर कंप्लीट होने, वर्क पूरा कंप्लीट होने के बाद ऐसा दिखता है हमारा फ्रेम। और दोस्तों मैंने आपको पहले से कहा था कि वीडियो को लास्ट में ज़रूर देखिएगा, तो ये वीडियो का राज मैं अभी आपको खोल देता हूँ। ये फ्रेम जो रेडी है, ये फ्रेम मिलने वाला है किसी एक को, लेकिन दोस्तों इसमें मैंने एक चीज़ रखी है, वो बहुत नॉर्मल है, पहले जो रखा उससे कहीं बहुत नॉर्मल है। क्या करना है हमको, 31 अगस्त तक आपको 200 लाइक देने होंगे वीडियो पे। अगर 200 लाइक आपने दे दिए तो ये किसी एक लकी को मिलने वाला है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि ये मैं, मेरी फैमिली है चैनल के सब्सक्राइब की, जो फैमिली उसको मैं देना चाहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेगा और इस वीडियो को लाइक करेगा, और जिस और फिर उसके बाद 31 अगस्त तक 200 लाइक अगर कोर्स हो गए तो हम पहली तारीख को अनाउंस कर देंगे कि कौन लकी विनर रहा है दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।